दूध की गाड़ी आई है तो सैंपल निकाल रहे हैं दूध चेक करने के लिए कि कितना खालिस है। दूध चेक करा जो ना फैट किन्नी हैगी जी, ये एलआर किन्नी हैगी, तो फिर उस तो बाद दूध उतारा। अच्छा, इसमें कितना दूध होता है गाड़ी में? 5,000 लीटर होता है। अच्छा, 5,000 लीटर डेली का। कितनी गाड़ियाँ आती हैं? डेली की 2-3 गाड़ी आती है। अच्छा, 15,000 लीटर बेचते हैं रोज। वाह माशाल्लाह। और 1 लीटर के पीछे कितनी बचत है? किसी गाड़ी में ज्यादा थोड़ी है, 10-20। गोल ना घुमाओ। नहीं, गोल अच्छा, तो बात नहीं है। एक गाड़ी में कितने कितने हजार बच जाते हैं? ये हजारों की तो वो तो बात, नमक जोड़ा खाता होता है ना इनका भी। आप तो जानते हैं। नहीं कोई बात नहीं, इसमें कौन सी बुराई है? नहीं नहीं, ये नीचे हाँ टेम्परेचर इसको कर रहे हैं। ये पकड़न पकड़ाई खेल रही है। तो इससे सारा दूध इक्विवेलेंटली टेम्परेचर पे आ जाएगा? हाँ जी, क्योंकि एक तरह से हीट मिलेगी। कुछ वो ऊपर से ला रहे हैं ना, उसको 20 पे लेके जाना। ठीक है। ओ नहीं नहीं, कर दो। नहीं जी, टेम्परेचर 20 पे आ गया। वॉश हो गई है दूध सही, ये डाल दिया भर के। ट्वेंटी हो गया जी, आप देख सकते हैं। मुझे तो नहीं पता चल रहा, इधर को घुमाए ना। ऐसे घुमाए, ऐसे 20 नजर आएगा तो फिर है। ये देखें जी, ये 20, ये हो गया जी 20-21 हो गया। ओके ओके, ये नहीं जी, ये इलेक्ट्रोमीटर है। ओह ओह, खैर अब ये बताएगा कि इसमें एलआर कितनी। एलआर क्या होती है? मतलब इसमें दूध कितना पानी है। अच्छा, दूध कितना पानी इधर से है, ले ऐड करें। 21, 22, 23, 24, 25, 25.5 25.5 ओके ठीक। उतना ही है, एक 21 आ रहा है इसमें, इसमें 22 से भी ऊपर हो गया, इसमें 22 ऊपर आ रहा है, इसमें 21 नंबर का फर्क है बस। नहीं जी, नया इलेक्ट्रोमीटर। अच्छा, ये बैर को गिरे ये जरूरी है? नहीं, वो फुल होना चाहिए ना, सिलेंडर को भर जाना चाहिए। पढ़ो जी, सामने आ गए। अच्छा जी, 21, 22, 23, 24, 24.5 की
कच्चा दूध पी के टेस्ट कर रहे हैं कि इसमें कोई स्मेल तो नहीं है। स्मेल तो सूंघ के आती है ना, पीने से भी आती है। इसका टेस्ट इक्वल है या नहीं? अच्छा अच्छा, मुंह से भी लगाती होती है। ठीक है, अच्छा वो जो दो नंबर दूध बनाया होता है वो पीक के पता चलता है? उससे मुंह कड़वा हो जाता है। अच्छा, गला खुश्क हो जाता है। ठीक है, थोड़ी देर बाद वो पता नहीं किससे कोई किस में डाल के बनाते हैं, कोई केमिकल मैं नहीं पता क्या डालते हैं क्या नहीं, लेकिन उससे ना जो गला वगैरह वो खुश्क हो जाता है। चाहे वो बॉइल करके पिए, फिर भी चाहे वो बॉइल करके पिए, उसकी महक आपको जो स्मेल आती है वो आपको बताएगी। जी हमने जो आपके सामने दूध का सैंपलिंग वगैरह किया, गवर्नमेंट की तरफ से 24 एलआर और 40 फैट ये मंजूर शुदा है। ठीक है, ये 11 मेयारी दूध जो आप खरीदते हैं इससे परहेज करें। ठीक है, ऐसा वैसा दूध अपने बच्चों को ना पिलाएं। ठीक है, कम से कम 40 फैट होनी चाहिए और 24 एलआर होनी चाहिए। ठीक है, हमने अभी जो दूध चेक किया उसकी सैंपलिंग की, ठीक है, इसकी 4.4 फैट थी और 25.5 इसकी एलआर थी। ठीक है, ये गवर्नमेंट से जो म्यार पास हुआ है उससे भी इसका म्यार ज़्यादा था। ये हम इस म्यार पे सेल कर रहे हैं, आप भी एहतियात कीजिएगा। जो अच्छा दूध है वो आप घर में अपने बच्चों को पिलाइएगा। आप म्यार वाला दूध घर लेके जाएं, अपने बच्चों को पिलाएं। ये सस्ता और 11 मियारी दूध से परहेज करें। ये जो ऑफर वाले दूध होते हैं ये अपने बच्चों को मत पिलाएं। ठीक है, दूध घर में आम हर लोग चेक कर सकते हैं। आप दूध का एक सीप लें, उसको गले के पास लेके जाएं, कोई एक मिनट बाद अपने गले से नीचे ले जाएं। ठीक है, कुछ सेकंड बाद आपका गला ही आपको बता देगा। ठीक है कि ये दूध कैसा है। आपका गला अगर दूध गैर मियारी हुआ, केमिकल वाला हुआ, आपका गला खुश्क हो जाएगा, कड़वा कड़वा महसूस होगा आपको। ठीक है, ये दूध चेक करने का तरीका है। हर आदमी दूध को चेक कर सकता है। जो दूध खालिश होगा वो आपके गले को फ्रेश रखेगा। ठीक है, मीठापन महसूस होगा। जो कड़वा गला आप कर रहे हैं वो दूध गैर मियारी होगा। मेरा भाई, गैर मियारी और सस्ते दूध से परहेज करें। कोशिश करें अपने बच्चों को अच्छा दूध और खालिश दूध म्यार वाली जो शॉप्स हैं उनसे लेकर पिलाइए। शुक्रिया।